चला गया हो सकता है, पर मैं तो आ गया ना। मैं फिर से सिर्फ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं, हमेशा सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। हाँ, इस बार मैं तुम्हारे साथ साथ नताशा के लिए भी आया हूं। मैं हमेशा कहता था कि हम अपना परिवार बनाएंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे। तुम, मैं, नताशा, हम तीनों हम दूर चले जाएंगे, बहुत खुश रहेंगे। तुम, मैं और नताशा। प्लीज, मैं इतनी में खुद गर्ज नहीं हूं कि अपना घर बनाने के लिए दूसरे का घर तोड़ दूं। किस घर की बात कर रही हो जो बसाई नहीं? बसाई नहीं? किस घर की बात कर रही हो? तुम्हारे घर की बात कर रही हो ऋषि सिंह बेदी। नेत्रा तुम्हारी बीवी है और अब वही तुम्हारा परिवार है। ओह, मुझे छोड़ते समय भी तुमने नेत्रा से यही कहा होगा ना? तुम गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें उस दिन उस रात को इसलिए रोका चूंकि मैं तुमसे प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं ऋषि 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 प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन करने के लिए नहीं। तुम चाहते थे कि मैं अपने प्यार को साबित करूं कि मैं तुमसे प्यार करती भी हूं या नहीं। मैं गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, कहती रही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। कभी मुझसे मेरा प्यार नहीं मांगा, प्यार का सबूत मांग गया। रात भर रोती रही, यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन नहीं। सिर्फ प्रॉपर्टी पेपर्स ही थे तुम्हारे सामने, सिर्फ वही। ये हाथ पकड़ के जो कसमें खाई थी साथ रहने की, इन्हें जोड़ के बोलती रही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। प्लीज मत करो ये सगाई नेत्रा के साथ ऋषि, मत छोड़ के जाओ मुझे। प्लीज प्लीज ऋषि प्लीज। मेरे सामने तुमने नेत्रा से सगाई कर ली, क्या तुम्हें मेरा प्यार, मेरा वो परिवार, मेरा अधिकार, सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया? मुझे गलत। तुम बताओ सही क्या है? तुम बताओ क्या है ये क्या है ऋषि, ऋषि सिंह बेदी, ये सब क्या है? तुम अपने आप को नहीं संभाल पाए, तुम हमारे प्यार को नहीं संभाल पाए, हमारे रिश्ते को नहीं संभाल पाए, हमारी शादी नहीं संभाल पाए। तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, झूठ बोलते हो तुम। उसके लिए मुझे छोड़ दिया था और मेरे लिए उसे भी छोड़ना चाहते हो? ऋषि, वो सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम्हारे बच्चे की माँ है, उसने तुम्हें पिता बनाया है। एक माँ को छोड़ने की बात कर रहे हो तुम? अरे नहीं नहीं साहब, मेरी मेरी नेत्रा से बात हुई है, हम एक ही छत के नीचे रहेंगे, बात समझ कोशिश करो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, और जहां तक सवाल, पागल हो गए हो तुम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, बेशर्मी की हद होती है ऋषि। ये सारी शर्म बेच खाई है तुमने, एक औरत से मन नहीं भरा जो चाहती हो दो औरतें तुम्हारे साथ रहे तुम्हारे घर में। शर्म ही है तुम्हें सब बोलते हुए मेरे सामने? अरे मुझे शर्म आ रही है बोलते हुए कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की और अब खड़े होकर तुमसे बात कर रही हूं। ईश्वर, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अच्छा कि? तो तुम मुझे बताओ सही क्या समझूं? क्या समझूं मैं तुम्हें? अपने आप को नहीं संभाल पाए, हमारा प्यार नहीं संभाल पाए, हमारी शादी, हमारा रिश्ता, कुछ नहीं संभाल पाए। तुम्हारे साथ रह के ना ऋषि, तनुजा सिर्फ रोई है, खून के आंसू रोई है वो। इतना दर्द दिया है तुमने मुझे, और इतनी बार माफी जो मांगी उसे। माफी माफी माफी, किसी का दिल तोड़ दो और माफी मांग लो,
किसी का घर तोड़ दो फिर माफी मांग लो, बीच रास्ते में किसी को छोड़ दो फिर माफी मांग लो। तुम्हें क्या लगता है ऐसे माफी मांग के तुमने जो गलतियां की उसमें पर्दा फिर जाएगा? तुम जानते हो तुम्हारी गलतियों की वजह से मेरा क्या हाल हुआ है ऋषि? मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना परिवार छोड़ना पड़ा, यहां तक कि अपना देश छोड़ना पड़ा, जाके परदेश में रहना पड़ा। अपनी दुनिया छोड़ के किसी और की दुनिया में, कुछ अजीब ही दुनिया में रह रही थी मैं, और तुम कहते हो माफी। देखिए ऋषि सिंह बेदी, अब ना हमारे बीच कुछ बचा नहीं है। तुम प्लीज चले जाओ यहां से, प्लीज चले जाओ यहां से, प्लीज। सिर्फ तुम्हारा अभिषेक का साथ दे। जब उसका जन्म हुआ ना तो मैंने तो उसे हाथों में भी नहीं उठाया। मेरी बदकिस्मती देखो, उंगली पकड़ के उसे चलना तक नहीं सिखाया। मेरी बदकिस्मती देखो, बाप का सपना क्या होता है? हाँ, एक बाप का सपना होता है कि बच्चों को पाल पोस के बड़ा करे। मैं तो उसे देखा भी नहीं 7 साल तक। मैंने उसे, मुझे पता भी ना नताशा मेरी बेटी थी। नहीं नहीं, तुम्हारे अभिषेक के साथ थी ना। बस अब और नहीं, अब वो मेरे साथ रहेगी। मेरी बेटी है, मेरा खून है, वो मेरे साथ रहेगी, वो बेटी का खून है। मैं उसे लेने आया हूं, उसे लेकर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब मेरे और मेरी बेटी के बीच में कोई नहीं आ सकता। तुम नहीं, अभिषेक की कोई दुनिया कोई ताकत नहीं। चलो चलो, मेरी बात सुनो। अंधे हो क्या? सॉरी, तुम यहां? किस्मत है बदकिस्मती पता नहीं, ना भी जाऊं फिर भी बीच में चले आते हो। बीच में चले आते हो? ये पागल लंदन में भी आ गया? अब तेरा इलाज मैं खुद डॉक्टर से करवाऊंगा, देखना पागल इंसान। सर, डेकोरेशन रेडी है, प्लीज एक बार देख लीजिए। ओके, चलो। नहीं, मैं अपनी नताशा को किसी को नहीं दूंगी। मुझसे मेरी नताशा को कोई दूर नहीं कर सकता। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। हम यहाँ से चले जाते हैं नताशा। ऋषि भाई, भाई किड जोन में भी देख लिया मैंने, नहीं है तनुजा कहीं। भाई आप तनुजा से मिले क्या? हाँ, माय गॉड, मैं उससे मिला और पता नहीं वो कहाँ चली गई। मैंने उससे कहा भी कि नताशा मेरी बेटी है, मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। तो बहुत डरी हुई थी वो, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे, पता नहीं। मैं अचानक फिर वो गायब हो गई, मैं उसके पीछे पीछे भागा और पता नहीं कहाँ चली गई। रिलैक्स, मिल जाएगी, इसी होटल में होगी, चल के ढूंढते हैं। हाँ, मिल जाएगी, आओ चलो, मिल जाएगी भाई, आ जाओ, मिल जाएगी, आओ आओ, रिलैक्स। भैया थोड़ा जल्दी चलेगा, एयरपोर्ट जाना है।